हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्या। तो देखिए, मेरे गार्डन में एकेमिनेस के फ्लावर्स कितने सुंदर से ब्लूम हो रहे हैं। इस बार समर में इसके मैं नर्सरी से छोटी सी पौध लाई थी जिसमें एक भी बर्ड्स नहीं था, तो मुझे कलर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और ये हमारे परमानेंट प्लांट है, सर्दियों में हम इसके बल्ब्स को सेव करके रख सकते हैं। तो फिर भी कोई आइडिया ना होने के बावजूद भी देखिए कितने सुंदर इसके कलर्स आए हैं। और इसकी जो ये जो ब्रांचेस है नीचे की तरफ लटकती है वो बहुत सुंदर दिखता है। तो फिलहाल अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। मैं अपने गार्डन में कुछ जितनी भी मेरी पुरानी सॉइल थी गमलों की, उनको मैंने निकाल कर अभी फैलाया है। अभी क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है, लकीली जिस दिन धूप आती है तो उसको मैं उस चांस को मैं मतलब गंवाना नहीं चाहती। तुरंत ही मैंने सभी गमले जो भी मेरे पर्सलिन के प्लांट हैं जो अभी भी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे थे, इनको मैंने निकाल कर इनके मिट्टी को धूप में फैलाया। और गार्डन में जो भी मुझे सूखी पत्तियां वगैरह मैं इकट्ठा करके रखती हूँ उसको भी मैं अभी थोड़ा सा धूप दे रही हूँ, क्योंकि अगर ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो बहुत जल्दी ये डिकम्पोज भी हो जाएंगे। तो बैग में मैं भर भर के रख देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सब काम किया। देखिए कितना सारा ढेर बन चुका है, थोड़ा सा तो डिकम्पोज भी हो गया है। अभी इसको फैलाकर फिर से मैं इसको समेट के फिर से मैं बोरे में बंद करके रख दूंगी, थोड़ा सा उसमें मिट्टी और खाद वगैरह मिक्स करके। और जो एक बोरी में मेरे कोकोपीट पड़े हुए थे जो मैंने रखे हुए थे सीडलिंग जब करूँगी तब उसके लिए, तो मैंने आज खोल के देखा इसमें बहुत सारी चींटियाँ आ गई थी, क्योंकि जहाँ पर मैंने रखा हुआ था साइड से बारिश भी गिर रही थी। देखिए अपने एग्स को लेकर कैसे भाग रही है जैसे ही मैंने इसको धूप में सुखाया। बस इसमें से चींटियाँ हट जाए तो इसको फिर से मैं उठाकर समेट के रखूँगी। तो ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम होता है चींटियों को अलग करना। और इस वाले जो टब में है इसमें मैंने कोकोपीट जो रखे हुए हैं इसको मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ, थोड़ा सा धूप दिखा रही हूँ, अगर इसमें कोई चींटियाँ वगैरह है तो निकल जाए। वैसे ही डायरेक्ट अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे जितने भी हमने सीड्स वगैरह लगाए हैं वो सारे हमारे ख़राब होने के चांसेस हैं, इसीलिए इनको चींटियों को हटाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो अलग वाले बोरी में मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ ताकि वो थोड़ा हल्का हो जाए, धूप में अच्छे से सूख जाए और चींटियाँ बाहर निकल जाए। विंटर स्टार्ट होने के पहले ये सारे काम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं सोच रही हूँ अपने गार्डन में जितनी भी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूमिंग करने वाले कोई भी प्लांट्स या जो ट्रीज हैं उनमें जो फ्लावर्स आ रहे हैं उनको आप लोग को दिखाऊं, और मे बी आप लोग ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। चारों तरफ देखिए इनकी जो हाइट है प्लांट्स की कितनी ज़्यादा ऊंची हो गई है, और एक ट्री का जैसा इनका आकार हो गया है, बस देखते ही बनता है। फुल ग्रीनरी के साथ इतनी ज़्यादा इनमें ब्लूम्स आ रही हैं देखते ही बनता है। तो दोस्तों, मेरे गार्डन की जो ब्यूटी है इस ब्लीडिंग हार्ट के प्लांट के कारण ही बनी हुई है। और ये वाली जो मैंने ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट लगाया है ज़मीन पे लगे हुए हैं, कुछ गमलों में भी लगा के रखा हुआ है, और जौन सी प्लेस में मैंने इसको लगाया है वहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, बल्कि बस इसको ब्राइट लाइट ही मिलती है। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा ना ब्लीडिंग हार्ट को किस तरह का लोकेशन इनको पसंद है। डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से ग्रो नहीं होते और अच्छी ब्लूम्स भी नहीं आती है। मैंने इसको इस ग्राउंड में मतलब इसी साल लगाया था समर में, बस देखते ही बन रहा है। और यहाँ पर ये स्टेयर्स के जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर देखिए ये मेलापोडियम के फ्लावर्स अभी भी कितने ज़्यादा इनमें ब्लूम्स आ रही है। मेरे गार्डन में जैसे ही समर स्टार्ट हुआ था तब से मेलापोडियम के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्लूम्स कर रहे हैं। एक प्लांट ख़राब होते हैं और उसके जो सीड्स नीचे कर गिरते हैं वहीं से सैपलिंग्स बनते हैं, तो उन्हीं को मैं उखाड़ कर फिर से लगा देती हूँ। मार्च से लेकर अक्टूबर का मंथ चल रहा है मगर मेरे गार्डन में इस मेलापोडियम के फ्लावर्स की बिल्कुल भी कमी नहीं हो रही है। अभी भी ग्राउंड में बहुत सारे सैपलिंग्स खुद ही बन रहे हैं, बस अभी मुझे उसको नहीं लगाना है क्योंकि अभी मुझे विंटर्स के प्लांट्स भी ग्रो करने हैं। तो है ना दोस्तों कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ मेरे ये बेगम बहार का प्लांट, ये भी ग्राउंड में लगा हुआ है। इनकी हाइट इतनी ऊंची हो गई है करके कि मेरे जो
ग्राउंड एरिया के जो वॉल है उसको भी क्रॉस कर दिया है इतनी ज़्यादा हाइट करके कि मैं अपना जो कैमरा है उससे मैं फोकस भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी चेयर के ऊपर चढ़ी हूँ तब जाकर आप लोगों को फुल व्यू दे रही हूँ। और इस बेगम बहार के प्लांट ने एक ट्री का शेप ले लिया, तो है ना कितनी हैरानी वाली बात। और यहाँ पर ये जो देसी वैरायटी के जो चांदनी के प्लांट है वो देखिए वाइट कलर के कितने सुंदर दिख रहे हैं, ये भी ज़मीन में लगा हुआ है। तो इसका व्यू देने के लिए मैं अभी अपने बरामदे में आ गई, क्योंकि नीचे से बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण अगर मैं नीचे खड़ी होकर आप लोगों को दिखाऊं तो उनकी बस ब्रांचेस ही दिखेंगी। तो इसका व्यू देने के लिए मैं अपने बरामदे में आ गई हूँ। वाइट कलर के कितने सुंदर दिख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली और ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स, ऐसे लगते हैं बर्फ़ गिरे हुए हैं। तो ये सभी जो प्लांट है मेरे गार्डन की ब्यूटी है। और यहाँ पर ये मोसंडा का प्लांट, ये भी एक ट्री बन चुका है, ये भी वॉल साइड में ही मैंने लगाया है। इतनी ज़्यादा इनकी हाइट और हैवी ब्लूमिंग, अभी तो बहुत सारे ड्राई भी हो चुके हैं। मोसंडा के जस्ट राइट साइड में एलोमेंडा वाइन के प्लांट को मैंने ग्राउंड में ग्रो करके रखा हुआ है। इसकी जो वाइन है देखिए चारों तरफ ये रेलिंग को कैसे कवर कर लिया है, और जहाँ पर भी इसको जगह मिल रहा है वहीं पे इसकी बेलें चढ़ती जा रही है और मसंडा के ऊपर भी इवेंट चढ़ गई है। मैंने इसकी बेलों को कितना कट किया है मगर इनको मैं रोक नहीं सकी। इसका ब्यूटीफुल सा व्यू दिखाने के लिए मैं अपने बाउंड्री से बाहर आ चुकी हूँ। बैक साइड से आप लोगों को व्यू देने की कोशिश कर रही हूँ। ग्रीन लीव्स के बीच में देखिए येलो फ्लावर्स अनकाउंटेबल, कितना सुंदर इसका व्यू आ रहा है। तो मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे ऐसे परमानेंट प्लांट जो ग्राउंड में लगा के रखा हुआ है ये सारे अब ट्री का शेप ले लिया है और इतनी ज़्यादा एक दूसरे से उलझ गए कि इनको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब सर्दियां आने से पहले मुझे इन सब की कटाई करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे गार्डन में बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी।